आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ट्यूबबडी जो एक्सटेंशन आपको अवेलेबल था क्रोम में, जो कि पीसी के लिए सिर्फ अवेलेबल हुआ करता था पहले, अब एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी आ चुका है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा ट्यूबबडी का एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। तो इस ट्यूबबडी ऐप के फ़ायदे अगर आपको जानने हैं या अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आप लाइव देखेंगे कि आपको किस तरह इसके अंदर आपको अकाउंट ऐड करना है और साथ ही साथ इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं पर। तो जैसे कि मैंने ये ऐप इंस्टॉल कर रखा है अपने फ़ोन में, तो ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके डाउनलोड कर लीजिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर आप सर्च कीजिए ट्यूबबडी। उसके बाद सर्च स्टार्ट कर दीजिए, जो पहला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ट्यूबबडी वाला, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के ऊपर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 37 MB का होगा। तो आप इसे डाउनलोड कर ले अपने फ़ोन के ऊपर। तो मैंने यहाँ इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या नया देखने को मिलता है और क्या ये कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये उतना बेहतर है या फिर नहीं है। चलिए इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ ट्यूटोरियल देखने को मिल रहा होगा कि आपको किस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो चलिए इसे हम स्किप कर लेते हैं और चलिए गो करते हैं। वो करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा साइन इन विद गूगल का, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने उस YouTube अकाउंट को सिलेक्ट कर लें जो आपका है, जिससे आप लिंक करना चाहते हैं YouTube बडी का एक्सटेंशन या ऐप के ज़रिए। तो चलिए मैं यहाँ अपना चैनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने दोनों चैनल लिंक कर रखा है, तो आप दोनों में से कोई भी चैनल खोल लीजिए, उसके बाद क्लिक कर लीजिए अपने चैनल के ऊपर। तो उसके बाद जो आपका इंटरफेस नज़र आएगा कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लोड हो रहा है आपके कमेंट्स, यहाँ पर आपका अचीवमेंट्स और यहाँ तक कि आपके वीडियोज़ की लिस्ट भी आपको कैलकुलेट होते हुए दिख रहे होंगे। तो चलिए इसे होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि हमारा यहाँ वीडियो का लिस्ट यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको हर एक वीडियो के डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस मींस आपको वीडियो किस तरह परफॉर्म कर रही है आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे ये वीडियो जिसमें 22,000 व्यूज़ है, तो उसके अंतर्गत में आपको क्या देखने को मिलता है, रेड रेड जो शो हो रहा है वो आपका क्या है, आपका एक कमेंट और लाइक 37 व्यू के अंतर्गत आता है। मींस अगर आपका 37 व्यू होता है तो तब जाके आपका एक कमेंट या फिर एक लाइक आ रहा है इस वीडियो के ऊपर। तो ये आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा कि आपको पता चलेगा कि ये वीडियो वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है आपके YouTube.com के अंदर। तो और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये वीडियो में आपको कितना लाइक आया, ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो किस तरह परफॉर्म कर रहा है आपके YouTube चैनल के ऊपर। तो यहाँ से आप सारे एक्सेस कर पाएंगे अपने वीडियो के एनालिटिक्स को, जो कि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन और आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा कि आपको किस तरह का वीडियो अपलोड करना चाहिए आगे फ्यूचर में या फिर क्या वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ चले कमेंट सेक्शन की ओर, तो यहाँ पर आपको सारे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे और ये किस वीडियो में है, यहाँ पर आपको थंबनेल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से आप सिंपली डिफाइन कर पाएंगे कि कौन वीडियो में कितने कमेंट्स आए हैं और किस तरह के कमेंट्स आए हैं। और ये चले अचीवमेंट्स की बात, तो यहाँ पर आपका माइलस्टोन कितने सारे कमेंट, यहाँ आपका यूट्यूब का माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है वहाँ ये आपको लिस्टेड देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ मेरा 1200 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका था, यहाँ माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। और हम चले यहाँ इंडस्ट्री न्यूज़ के अंदर, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड और यहाँ कुछ कुछ न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे कि इस ऐप के अंदर ही आप न्यूज़ देख पाएंगे। और जैसे कि अगर आप जानते होंगे कि कंप्यूटर में जो YouTube बडी का एक्सटेंशन जो क्रोम में अवेलेबल हुआ करता था, उसमें से आप टैग्स को कॉपी कर सकते थे अपने वीडियो को टाइटल के अनुसार, तो वो काफ़ी अच्छा फीचर हुआ करता था, सिंपली आप वहाँ पर से क्लिक करके आप ऐड कर लेते थे।
तो क्या इस एप्लीकेशन में ये अवेलेबल है? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये फ्री वाला है, तो फिर अगर आपको पेड वाला चाहिए तो आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ टैग एक्सप्लोरर के अंदर आपको क्या तरीके के टैग्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर से आप अपने वीडियो का टाइटल लिख लीजिए, जैसे कि और सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आपको यहाँ कुछ कुछ टैग्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और इन सभी टैग्स के आपको सर्च वॉल्यूम रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये टॉपिक पे कितना कंपटीशन है और ये किस तरह की टॉपिक है और ये क्या गुड है या नहीं है। यहाँ पर आपको नंबर्स के अनुसार आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा कि ये किस तरह का आपका वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर से आप टिक मार्क करके आप यहाँ सिंपली कॉपी कर सकते हैं, कॉपी टू में जाके क्लिपबोर्ड के अंदर। तो अगर आपको यहाँ सबसे मुश्किल यही है कि यहाँ अगर आप व्यू ऑल रिजल्ट जाते हैं तो यहाँ पर लिमिटेड है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सॉरी 3 टैग ही आप लगा सकते हैं अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रो वर्जन यूज़ करना है तो 190 रुपीज़ पर मंथ लगेगा। तो ये मुझे काफ़ी ख़राब लगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो अवेलेबल है उसमें आप बहुत सारे टैग्स यूज़ कर सकते थे। अगर आप पीसी में यूज़ कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपने टैग डाला है ऊपर में तो आपका और बढ़ा के दिखा देगा कि आपको किस किस तरह का आपको ऐड करना चाहिए आपके टाइटल के अंदर। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अगर यही सबसे बड़ा खामी है कि यहाँ पर आपको प्रो वर्जन लेने के लिए आपको 190 रुपीज़ देने होंगे, तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है। लेकिन ये कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन काम चला हुआ है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। तो इसी तरह आप यहाँ से सर्च करके आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि आपके वीडियो के टाइटल के अनुसार आपको क्या क्या टैग्स अवेलेबल हैं। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि कंप्यूटर वाले में नहीं है, जैसे कि यहाँ न्यूज़ देख पाएंगे और यहाँ कुछ कुछ यहाँ डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे माइलस्टोन, और यहाँ पर से कमेंट सेक्शन अच्छी तरह मैनेज किए हुए हैं। और यहाँ पर खास मुझे ये लगा कि हर एक वीडियो के आपका एनालिटिक्स यहाँ डायरेक्टली दे दिया है कि आपको ये वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर आगे भविष्य में अगर आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसके अंदर वो क्या चेंजेस करने चाहिए। तो यहाँ पर से सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। तो यही मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा है। तो आप यहाँ से, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ़ोन में भी ये ट्यूबबडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और हम टॉपिक प्लानर पे चलें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ से आप टॉपिक ऐड कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं और डिटेल दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि जब भी यहाँ टॉपिक्स में जाएंगे तो आपको रिमाइंड करते रहेगा कि हाँ मुझे ये वीडियो बनाना है इस टॉपिक के अंदर। तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि यहाँ एक तरीके से नोट्स टाइप हो गया ये। और यहाँ कैंड रिस्पॉन्सेस के अंदर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर एडिंग कैंड रिस्पॉन्सेस यू कैन प्रेस एंड होल्ड एनी कमेंट इन योर कमेंट्स लिस्ट टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू कॉमन क्वेश्चंस। तो यहाँ से आप सिंपली आप उसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स चला जाएगा कि मीन्स अगर आप कोई भी कमेंट पे आप होल्ड करे रहते हैं, जैसे कि यहाँ लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर कोई भी कमेंट पे आप होल्ड करे रहते हैं तो यहाँ पर आपका कैंड रिस्पॉन्स चल जाएगा। मीन्स आप जैसे रोबोट ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्स भेज देता है आपके जीमेल, या फिर आपने देखा होगा कि आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता है तुरंत। तो यही एक वो करना होगा यहाँ, तो आपको रिस्पॉन्स क्या देना है और टाइटल क्या देना है, तो जिससे कि आप कोई भी कमेंट पे अगर आप होल्ड करे रहेंगे तो वहाँ से आपका उस पर्सन को ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई चला जाएगा जो आपने सेट कर रखा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर, लेकिन कभी कभी काम आ सकता है ये। और टैग लिस्ट की ओर चलें तो यहाँ पर से आप टैग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर से आप डिफ़ॉल्टली यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसके यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है टैग लिस्ट ऑन मोबाइल आर सिंक्ड विथ योर ट्यूबबडी ब्राउज़र एक्सटेंशन टैग लिस्ट। तो आप अगर फ़ोन में टैग लिस्ट क्रिएट करते हैं तो आपके कंप्यूटर में भी वो सारे टैग लिस्ट नज़र आएंगे, जहाँ पर से आप कंप्यूटर के थ्रू भी वो सारे टैग्स ऐड कर पाएंगे अपने वीडियो के अंदर। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। तो आप भी इस ऐप को इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर के अंदर, और अगर आपने फ़ोन में नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि ये ज़रा सा भी फ़ायदा आपके वीडियो को पॉपुलर या फिर वायरल कर सकता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ट्यूबबडी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं, तो अभी अपने फ़ोन में नए तरीके से यूज़ करना शुरू करें अगर आप नए यूज़र हैं तो।
अगर आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो फ़ोन भी करना शुरू कर दें, तब जाके आपके वीडियो को वायरल या फिर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आपके वीडियो के ऊपर। तब मैं आपसे आगे मिलना चाहूँगा अगले वीडियो में। टिल देन, बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। गुड बाय।